जंगल फायर, उसके बाद गैस लीकेज और पता नहीं और क्या क्या होना बाकी है अभी। बस इससे कुछ ज़्यादा अब ना हो तो अच्छा है। हे गाइस, अ वेरी गुड आफ्टरनून। सो आज जो दिन की शुरुआत काफ़ी लेट हो रही है बिकॉज राइट नाउ इट्स 1:50 इन द आफ्टरनून। मैं कल रात को अराउंड 2 या 3 बजे सोया था और आज सुबह सीधा उठा अराउंड 11:30 बजे बिकॉज कल रात को मैंने पाताल लोक देखना शुरू किया था। सीरीज तो काफ़ी मस्त है, अराउंड मेरे लास्ट के 2 एपिसोड्स ही बाकी है। सो है कुछ ऐसी थी आज की सुबह। इनफैक्ट आज भी हमारी वो क्विज थी बट देन आई वाज स्लीपिंग सो मैं वो नहीं दे पाया था। कोई नहीं, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो इसको भी चार्ज किए, पता नहीं कितने हफ्ते गुजर गए हैं। एक्चुअली कुछ ज़्यादा यूज़ होता नहीं है बट स्टिल चार्ज करते रहना चाहिए बिकॉज चाइना प्रोडक्ट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो अगर आप लोगों ने अब तक इस i11 एयरपॉड्स की अनबॉक्सिंग नहीं देखी तो जाओ जाके देखो, मैंने अराउंड 1 या 2 महीने पहले बनाया था। और अगर आप लोगों को ओरिजिनल एयरपॉड्स की भी अनबॉक्सिंग देखनी है तो उसके भी लिंक्स मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन, आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो। पिछले हम लोग 3 घंटे से मैं और हर्षिल पबजी खेल रहे थे, मज़ा आ गया। पबजी के चक्कर में आज मैं दोपहर का खाना भी भूल गया। राइट नाउ इट्स 4:30 इन द इवनिंग। अब सोच रहा हूँ बाहर जाके कुछ खाओ बिकॉज भूख से मरा जा रहा हूँ मैं। लेट्स गो आउट एंड ईट समथिंग। और आई थिंक ये भी चार्ज हो गए बिकॉज रेड लाइट ब्लिंक नहीं हो रही। जब रेड लाइट ब्लिंक ना हो रही तब ये चार्ज हो गए और जब ब्लिंक हो रहे तब ये चार्ज हो रहे होते हैं। आई नो थोड़ा कन्फ्यूजिंग था बट स्टिल यू गॉट माई पॉइंट राइट। सो जस्ट डन विद द लंच एंड राइट नाउ इट्स 5 in the evening। अब मेरे पास सिर्फ 3 से 4 घंटे ही है टू मेक दिस व्लॉग बिकॉज मैं अराउंड रात को 8-9 बजे जैसा मैं व्लॉग को एंड कर देता हूँ और उसके बाद मैं कंटिन्यूस 2 घंटे एडिट करता हूँ बिना रुके नॉन स्टॉप और फिर रात को सीधा होता है वीडियो शेड्यूल। सो अगर मैंने आज ये वाला व्लॉग बना डाला जो कि आई थिंक मैं बना ही लूँगा तो मेरे ख्याल से मैं कहीं भी कभी भी कैसे भी व्लॉग चालू करके ख़त्म व्लॉग चालू करके मैं कभी भी ख़त्म कर सकता हूँ। या दैट्स इट। और आई थिंक इसकी भी बैटरी फुल हो गई है। हालत तो देखो इन सब व्हीकल्स की, सब मिट्टी से भरे हुए, क्योंकि किसी का यूज नहीं होता तो करे क्या। एज एक्सपेक्टेड ये भी एज एक्सपेक्टेड एंड द लास्ट। वो मुझे लगा नहीं था चालू होगा बट देन हो गया क्योंकि इसे मैंने लास्ट शुरू किया था आई थिंक मार्च में या फिर जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तब। आपको आई थिंक याद होगा जब मैंने मिनी ब्लॉक्स की शुरुआत की तब इसका टायर भी पंचर हुआ था उस दिन। और अब मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला पॉट लगाऊँ कहाँ पे बिकॉज ये सब एरिया पैक है एज यू कैन सी के यहाँ पे तो ये सब विंडोज़ है, बचा वो एक कोना। सो आई एम जस्ट थिंकिंग टू हैंग इट देयर, वो जो वी शेप का आपको दिख रहा होगा ट्रायंगल उसके ऊपर बिकॉज दैट्स द ओनली एम्प्टी प्लेस फॉर दिस। सो मैं सोच रहा हूँ कि इससे ये बेल्ट से हैंग कर दूँ बिकॉज और तो कोई रस्सी अभी घर पे अवेलेबल नहीं है और आई थिंक ये इससे प्रॉपर भी रहेगा। छोटा पड़ रहा है वहाँ पे लटकाने के लिए। सो इसके बारे में बाद में सोचेंगे। मुझे लगा था कि ये वाला शायद से लग जाएगा बट नहीं लगा। इसको रखते हैं साइड में, बाद में करेंगे। वैसे तो आज मुझे काफ़ी अच्छी वाली फीलिंग आ रही थी जब मैं नीचे था तब, क्या आज काफ़ी अच्छा सा टाइम लैप्स आएगा जो कि आई डोंट थिंक आएगा बिकॉज सब कुछ क्लियर है, देयर इज़ नॉट इवन अ सिंगल क्लाउड। और अब तक तो मेरे ख्याल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो टिकटॉक की रेटिंग्स पहले जो 1.2 थी जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो वो अब कन्वर्ट होके आई थिंक 4.4 हो गई है बिकॉज गूगल वालों ने अराउंड 6 मिलियन जितने नेगेटिव रिव्यूज़ को निकाल दिया है और पेड रिव्यूज़ या फिर 5 स्टार वाले रिव्यूज़ कहीं से तो ला दिया है, पता नहीं ये कैसे हो गया। लेकिन अभी टिकटॉक वाले तो मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होंगे कि
फाइनली हमारे रेटिंग्स वापस आ गए। और अभी ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि वो जो लोकोस्ट का हमला या जो भी को आप लोग वो जो भी लोकोस्ट का भी राजस्थान में हुआ था जयपुर में, वैसा अभी शायद से मुंबई में आज या फिर बाय द टाइम जब ये वीडियो रिलीज़ होगा उस वक्त शायद हो रहा होगा। ये एक्चुअली मुझे एक व्हाट्सअप फॉरवर्ड आया था जो कि मेरे ख्याल से मुझे विश्वास नहीं करना चाहिए अब सिर्फ महाराष्ट्र से गुजरात में ना आ जाए, बिकॉज अगर गुजरात में आ गई ना तो लग जाएगी, बिकॉज जहाँ जहाँ वो हुआ है ना वहाँ वहाँ फार्मर्स के स्पेशली तो बहुत ही ज़्यादा उनके लिए तो ख़तरा ये बात का, बिकॉज उनके सारे क्रॉप्स उनकी सारी फसलें सब तबाही हो जाता है। पहले ये वायरस का हमला, उसके बाद ये लोकस्ट, उसके बाद जंगल फायर, उसके बाद गैस लीकेज और पता नहीं और क्या क्या होना बाकी है अभी। बस इससे कुछ ज़्यादा अब ना हो तो अच्छा है। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि इससे अब कुछ ज़्यादा ना हो तो अच्छा है, बिकॉज़ ऑलरेडी अभी 2020 की तो लगी पड़ी है, इतना कुछ हो रहा है पूरे देश में पूरी दुनिया में। और मैंने इस साल एक छोटा सा टारगेट बनाया है कि इस साल के एंड तक मैं मिनिमम 60-70 वीडियोस अपलोड करने का पूरा ट्राई करूँगा, सो आई थिंक मैं कर दूँगा, बिकॉज जिस हिसाब से अभी मैं अल्टरनेट डेज व्लॉग करने का पूरी कोशिश कर रहा हूँ उस हिसाब से तो मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, बट कोई नहीं, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। और अभी आपको जो मेरे फेस पे ब्राइट लाइट दिखाई दे रही है वो मैं एक्चुअली इस लैम्प का यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, सो आई जस्ट थॉट के इसका यूज़ करते हैं। अब आप लोग एक स्लोमो देखो, तब तक मैं ये ख़त्म करता हूँ। So that wasn't my dinner, that was just the warm up. So yeah guys, that's it for this video. If you guys enjoyed this vlog for whatsoever reason, then you can like this vlog. I think you know that, right? You can like this, dislike this, and you can even subscribe to my channel. इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। और do let me know in the comment section below about your thoughts regarding TikTok. क्या वो TikTok ban होना चाहिए? क्या आपके दिमाग में views है about TikTok के? TikTok के ratings कहाँ से कहाँ कैसे पहुँच गए? So yeah guys, मिलता हूँ फिर कभी ऐसे ही किसी vlog में। तब तक के लिए दस्तावेज़ आने।